फेरमिनेक्स क्या है? आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा फेरमिनेक्स। ये फेरमिनेक्स क्या होता है, ये कैसे यूज़ आता है और आप इसको अपनी जान बचाने में यूज़ कैसे कर सकते हैं अगर आप कहीं पर ट्रैप हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सर, मेरा नाम विजय दिया है और मैं आपका स्वागत करता हूँ टेकी गुरुकुल चैनल में। इस चैनल पर हम फायर सेफ्टी के रिगार्डिंग वीडियोज़ कंटिन्यूसली लेकर करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फेरमिनेक्स के बारे में। फेरमिनेक्स क्या है? जैसे कि नाम से ये आपको पता लग गया होगा, फेरमिनेक्स, फेरमेन की जो एक्स होती है उसको हम फेरमिनेक्स बोलते हैं। तो ये जो आप हमारे मेरे हाथ में देख रहे हैं ये एक फेरमिनेक्स है। ये फेरमेन की जो यूनिफॉर्म उसका पार्ट भी है और ये जो आपको बिल्डिंग में जो आइडेंट बॉक्स होंगे आपको मोस्टली वहाँ पर भी ये डिवाइस मिल सकता है। ये काम कैसे करता है, क्या है इसके अंदर, ये चीज़ देखते हैं। जो ये फेरमिनेक्स होता है ये फोर्ज स्टील से बनता है। जो इसका जो ये एक पीस है पूरा, ये फोर्ज स्टील का बना हुआ है। इसके अलावा ये मल्टीपर्पज़ फायर फाइटिंग टूल, आप इसके कई सारे यूज़ कर सकते हैं, पियर्सिंग के लिए, कटिंग के लिए, ब्रेकिंग के लिए और लॉक वगैरह खोलने के लिए। इसका जो रबड़ हैंडल है ये वल्केनाइज्ड रबड़ का है, ये शॉक प्रूफ है। ये तकरीबन आपका 20,000 वोल्ट पे टेस्ट होता है और प्रैक्टिकली इसका यूज़ करें तो 1,000 से 2,000 के बीच में करना चाहिए, क्योंकि उसमें आप जो टेस्टिंग होती है उसमें और जो आप यूज़ करें उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। इसके अलावा जो इसकी लेंथ है वो तकरीबन 15 इंच है। यहाँ से इस जो टॉप एज है इससे यहाँ तक की है, इसकी जो लेंथ है वो 15 इंच है। इसका जो वज़न है वो 1 किलो है और जो इसका विड्थ है यहाँ से और यहाँ तक की वो 7 इंचज है। इसके अलावा जो ये इसका यूज़ कैसे करते हैं वो आप देखें। इसका जो एज है ये कटिंग एज है, इसमें शार्प है। ये आपको किसी जो लाइव वायर है बिजली का है तो आप उससे डायरेक्टली काट सकते हैं, 1,000 से 2,000 वाट तक के बीच का होना चाहिए, ज़्यादा में कामयाब नहीं है। और जो ये वाला एज है इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप शीशा तोड़ सकते हैं। अगर आप कहीं पर ट्रैप हो गए हैं, कोई वेंटिलेशन करना है तो आप इसका यूज़ करके शीशे को ब्रेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो आप कहीं पर अगर ट्रैप हो गए हैं, आपके पास वुडन कोई गेट पर चेन लगी हुई है या कोई पैडलॉक है छोटा, तो उसको आपको इसका हिट करके आप उसको तोड़ सकते हैं। ये इक्विपमेंट अगर आपको चलाना आता है तो इसको पकड़ के, इसको जो हैंडल है वो नॉन स्लिपरी होता है, वल्केनाइज्ड है, इसमें कनर्ड शेप की ये जो पैटर्न बना हुआ ये है, तो ये नॉन स्लिपरी है और ये काफ़ी कंफर्टेबल है चलाने में। अगर आप इसको चला के जैसे आप कहीं पर ट्रैप हो गए, आपको गेट से बाहर निकलना है और आपको कोई विंडो नहीं है स्मोक के कारण या वहाँ पे आग के कारण फंसे हुए हैं, तो इसका यूज करके आप इजीली, अगर कोई ब्रेकेबल डोर है जिसको आप तोड़ सकते हैं तो उसका यूज़ आप करके वहाँ से निकल सकते हैं और अपनी जान बचा सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर आप कहीं पर ट्रैप होते हैं तो। बाकी जो फायरमैन है वो उसका यूज़ तो रूटीन में फायर फाइटिंग करते रहते हैं, कहीं पर उसको एंट्री करनी, फोर्सेबल एंट्री करनी, तो वहाँ पर भी उनकी काफ़ी हेल्प करता है। ये बहुत यूजफुल टूल है, बिल्कुल छोटा सा है लेकिन बहुत यूजफुल टूल है। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।